नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि हमारे देश का जो चंद्रयान 2 मिशन था वह सफल नहीं हो सका। चंद्रयान 2 22 जुलाई को दोपहर लगभग 2:43 पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और ये तैयारी करीब 10 वर्षों की थी, यानी वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की थी। और इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड होना था, लेकिन अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम लैंड नहीं कर सका। ये असफलता थोड़ी रही, लेकिन इसे पूर्ण रूप से असफल भी कहना उचित नहीं होगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने घोषणा तो कर दी है कि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले तक विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। हालांकि ये खबर एक झटके के समान थी जब मैंने इसे सुना। 978 करोड़ रुपए लागत आई थी इस पर। चंद्रयान 2 मिशन अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका। ये कहना तो मैं उचित नहीं समझता कि मिशन सफल नहीं हो सका। मिशन का सिर्फ 5% लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर का नुकसान जरूर हुआ है, ऐसा एक वैज्ञानिक का कहना है। शेष तो ऑर्बिटर ठीक ठाक है। ये चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर काट रहा है और एक वर्ष तक ये अपनी सेवाएं प्रस्तुत करेगा। चंद्रमा की कई तस्वीरें भेजेगा। हो सकता है कि ये ऑर्बिटर लैंडर विक्रम की भी तस्वीरें भेजे, जिससे उसकी स्थिति के बारे में आगे चलकर पता चलेगा। मित्रों, शनिवार को 1:38 पर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1471 किलोग्राम का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब उसके थ्रस्टर्स को बंद किया गया होगा तभी ये दुर्घटनाग्रस्त होकर संपर्क से बाहर हो गया। अब तकनीकी रूप से क्या गड़बड़ हुई ये तो वैज्ञानिक हमारे देश के बेहतर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। मैं तो इस पूरे घटनाक्रम को ज्योतिष की दृष्टि से ही देखूंगा। वैसे मैं नहीं भी देखता, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जिन्हें ज्योतिष का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्योतिष के बड़े अनुरागी हैं, बड़े जिज्ञासु हैं। समय समय पर घटनाओं के ज्योतिषीय कारणों को जानने के लिए अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं। आज भी सुबह फ़ोन उन्होंने किया। प्रश्न वही था कि ये चंद्रयान मिशन 2 क्यों असफल हो गया। तो मैंने उनसे यही कहा कि असफल तो नहीं हुआ पूर्णतया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि ज्योतिष के नज़रिए से ऐसा क्या हो गया कि ये 100% ये मिशन सफल नहीं हो सका। तो मित्रों, मैंने 1:38 की कुंडली तैयार की 7 सितंबर 2019 1:38 की, और उस कुंडली के अनुसार मिथुन लग्न थी और लग्न में राहु देव विराजमान थे। 7th हाउस में केतु और शनि बैठे थे। लग्नेश बुध सूर्य शुक्र और मंगल ये तृतीय भाव में स्थित थे और छठे घर में गुरु और चंद्रमा की स्थिति थी। मित्रों, इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर रूप से स्पष्ट होती है कि उस समय ज्येष्ठा लग्न में चंद्रमा था, और वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, वह भी चतुर्थ चरण में। ज्येष्ठा के तृतीय चरण से मूल के द्वितीय चरण तक चंद्रमा की स्थिति तो अच्छी नहीं थी। ज्येष्ठा मूलों का नक्षत्र है और मूलों में किसी बात की सफलता की संभावना थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मूलों में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वह भी बहुत मुश्किल की घड़ी होती है, क्योंकि उस वक्त ना नक्षत्र को सपोर्ट मिलता है और ना ही राशि को। और आप देखिए कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में था इस घटना के वक्त, यानी चंद्रमा खुद भी अपनी
नीच राशि वृश्चिक में। एक विशेषज्ञ को मैंने कल टीवी पर बोलते सुना था कि लैंडर जब सतह को छूने वाला होता है तो वह बड़ी ही सेंसिटिव घटना होती है, बड़ी सेंसिटिव प्रक्रिया होती है। जैसे एक बच्चे को आप अपनी गोदी में लेकर के सुला तो दें, लेकिन जब आप उसे बिस्तर पर लिटाने लगते हैं और अपनी गोदी से अलग करते हैं तो जरा सी हलचल भी बच्चे को पुनः उठा देती है। तो ये वाली जो प्रक्रिया थी जिसमें लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतरना था, ये उसी तरीके की प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया में चंद्रमा का ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में होना ये एक बहुत अच्छी बात नहीं थी। एक तो ये चीज़ मैंने इसमें नोट की। दूसरे, लग्नस्थ राहु और सप्तम भाव में केतु और शनि की युति। लग्नेश बुध भी अस्त, शुक्र भी अस्त और मंगल भी अस्त। चंद्रमा गुरु के साथ अपनी नीच राशि में, गुरु के साथ छठे घर में, ये स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मेरे अपने हिसाब से, गणित से, अगर ये लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग अगर 10 सितंबर को होती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती, सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती थी। मित्रों, मैंने एक बात और भी नोट की है, और ऐसा कई बार मेरे मन में विचार आता है कि ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो इसरो हो या और अन्य संस्थाएं जिन्हें निर्णय लेने पड़ते हैं, तो अगर इन संस्थाओं को ज्योतिषीय सलाह भी प्राप्त हो जाए, या ये ज्योतिष के अनुसार अपने प्रोग्राम्स डिसाइड करें, तो मेरे अपने विचार से सफलता की संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। और ऐसा करना भी चाहिए, किसी ज्योतिष विद्या का कम से कम ये फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। तो मेरे अपने विचार से यदि ये पहले से डिसाइड किया गया होता कि लैंडिंग 7 सितंबर के बजाय 10 सितंबर रखी जाती तो शायद हम पूर्ण रूप से सफल हो चुके होते। जब ये लॉन्चिंग हुई थी 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पे, तो उस वक्त स्थिति अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त लग्न में वृश्चिक लग्न थी और गुरु लग्न में ही थे। हालांकि उस वक्त भी सेकंड हाउस में शनि केतु की युति थी और चंद्रमा उस वक्त शनि के ही नक्षत्र में था। अनुराधा नक्षत्र की लग्न थी और उस वक्त चंद्रमा उत्तराभाद पद में था, शनि के नक्षत्र में। और ये आप जानते ही हैं कि इन दिनों गोचर में शनि केतु की युति चल रही है, तो उस दिन भी शनि केतु लगभग 1 डिग्री पे 22 डिग्री पर थे। लेकिन गुरु का लग्नस्थ होना एक बहुत अच्छी बात होती है। गुरु और चंद्रमा भी गुरु के पूर्ण प्रभाव में था और लग्नेश मंगल सूर्य बुध के साथ 9th हाउस में बैठे थे, ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। तो इसी वजह से ये लैंडिंग पूर्णतया असफल तो नहीं हुई, क्योंकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा के चक्कर काट रहा है और ये एक वर्ष तक अपनी सेवाएं भी प्रस्तुत करेगा। हाँ, विक्रम की लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, ये एक असफलता तो है। अगर प्रज्ञान रोवर एक दिन चंद्रमा में टिक करके अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर देता तो फिर 100% हमें सफलता प्राप्त होती। लेकिन सफलता और असफलता बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती जीवन में, असफलताएं कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। मैं तो अंत में अपने भारत के वैज्ञानिकों की कोटि कोटि प्रशंसा करता हूँ, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। कम से कम 10 साल उन्होंने निरंतर प्रयास किए, सफा थोड़ी रह गई तो कोई बात नहीं, अगली बार सफलता 100% प्राप्त होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।